तो दोस्तों कुछ दिन पहले ही मैंने जियो मार्ट का ऐप ट्राई किया और भाई काफ़ी तगड़ा एक्सपीरियंस मुझे देखने को मिला इस ऐप में। और दोस्तों इस ऐप की खास बात यह है कि ये अभी थोड़ा थोड़ा नया ऐप है, तो कुछ हो सकता है आप भी अच्छे से ऑफर्स उठा पाए। और मैं अपना आज एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ कि जियो मार्ट का ऐप यूज़ करके मुझे कैसा लगा और कैसी डील मैंने उठाई थी वहाँ से। तो दोस्तों मैंने उस ऐप का एक्सपीरियंस लेने के लिए जस्ट कुछ शुरुआत में 4 गुड्डे के बिस्किट्स ऑर्डर किए थे, सिर्फ 4, यही देखने के लिए कि उनकी सर्विस कैसे होती है। तो वो एक बिस्किट जो गुड्डे का बिस्किट था, तो वो एक बिस्किट का जो ओरिजिनल MRP था वो था 30 रुपीज़ पर पीस का, मतलब एक बिस्किट के पैकेट का 30 रुपीज़ था। और मुझे जियो पे जो पड़ रहा था, जियो मार्ट के ऐप पे, तो वो 20 रुपीज़ का पड़ रहा था। तो मैंने सोचा बहुत मस्त डील है, तो मैंने 4 पैकेट्स गुड्डे के ऑर्डर किए, तो 20-20 रुपए के हिसाब से जो हुआ वो मेरा 80 रुपीज़ हुआ, जबकि वो 30 रुपीज़ के हिसाब से होना चाहिए था। लेकिन जो ऑफ़र चल रहा था जियो पे, जियो मार्ट के ऐप पे, तो मैंने जो है वो 20 रुपए के बिस्किट 30 रुपए के बिस्किट 20 रुपए में ख़रीदे, और वही 20 रुपए के बिस्किट्स का जो टोटल हुआ था 80 रुपीज़ हुआ था, क्योंकि मैंने 4 बिस्किट्स के पैकेट्स ऑर्डर किए थे। तो मैंने सोचा कि कुछ तो ये लोग डिलीवरी चार्जेस लेंगे इन बिस्किट्स का जो MRP है वो रिकवर करने के लिए, लेकिन डिलीवरी जो था वो मुझे फ्री में डिलीवर हुआ बिस्किट्स घर पे। 4 दिन का जो डिलीवरी टाइम दिया था वो लोगों ने, लेकिन जो घर पे आया वो 3 दिनों में वो बिस्किट घर पे डिलीवर हुआ, वो 4 बिस्किट्स। तो भाई सर्विस तो काफ़ी मुझे बढ़िया लगी। और बात करते अगर पैकिंग की, तो उन्होंने एक्सटर्नल पैकिंग फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन के जैसे ही रखी थी, तो यहाँ पे मुझे पैकिंग में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं दिखा। और भाई ये फर्स्ट टाइम मैंने जियो मार्ट को एक्सपीरियंस किया, तो मैंने ये सोचा कि अभी अभी ये कंपनी आई है और अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट की पैकिंग को जो है वो टक्कर दे पा रहे हैं, तो भाई आगे वो जाके कितनी अच्छे से पैकिंग भी दे सकते हैं हमें। तो उसके बाद मैंने जब वो पैकेट खोला, तो 80 रुपीज़ तो मैंने पे किए थे कैश ऑन डिलीवरी, तो 80 रुपीज़ पे करने के बाद घर पे आया, पैकेट खोला, तो मुझे लगा बिस्किट्स निकलेंगे, लेकिन बिस्किट से पहले मुझे और एक चीज़ जो है वो दिखी उसमें, और मैंने निकाला तो वो था मास्क का पैकेट। जी हाँ दोस्तों, ये तो कोरोना का अभी सीज़न चल रहा है इस डेट पे, तो कोरोना के सीज़न में मुझे उन्होंने पैकेट में, आई डोंट नो दूसरों को भी दिए या नहीं, लेकिन मुझे 160 रुपीज़ MRP वर्थ का 10 मास्क का पैकेट फ्री में दिया। काफ़ी अच्छा मुझे एक्सपीरियंस लगा जियो मार्ट को लेके। अगर वो लोग कुछ प्राइस पैकेज में, मास्क में और पैकेज में दोनों में इन्वेस्ट कर रहे, तो हो सकता है जब कोरोना चला जाए, COVID-19 का सीज़न, तो वो वही पैसे कहीं और इन्वेस्ट करके हमें और खुश करने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो 160 MRP का वर्थ जो था वो मास्क का पैकेट भी मुझे मिला, और 4 बिस्किट्स के जो पैकेट थे वो भी मुझे डिलीवर हुए। हाँ, कुछ बिस्किट्स टूटे हुए ज़रूर निकले उसमें, क्योंकि हो सकता है वो लोग के डिलीवरी के टाइम या हुआ टकराया होगा बिस्किट का पैकेट अंदर से। तो एक्सपीरियंस तो मेरा फर्स्ट टाइम जो था वो काफ़ी बढ़िया रहा जियो मार्ट को लेके। आगे देखते हैं अब जियो अपनी पॉलिसीज क्या चेंज करता है, जब जैसे अब कर दिए वो लोगों ने सबकी वोडाफोन की आइडिया की और एयरटेल की वाट लगा दी और फिर अपनी मोनोपोली स्टार्ट कर रहा है। वाह, तो शुरुआत में तो भाई जियो काफ़ी अच्छा काम करता है, लोगों को खुश करता है, जब लोग उसकी सर्विस एनेबल करा देते, ले लेते, सर्विस उसकी यूज़ करते, तब जियो थोड़ा सा हमें रुलाता ज़रूर है। लेकिन देखते हैं इस ऐप के बारे में अब क्या होता है, जियो मार्ट का एक्सपीरियंस फ्यूचर में कैसा होता है, उसका भी मैं आपको हो सकता है तो अपडेट दे दूँगा। तो दोस्तों यही था मेरा जियो मार्ट का फर्स्ट यूज़र एक्सपीरियंस। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया है, और अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नहीं किया तो भी कोई बात नहीं, अगली बार भी कर सकते हो। तो दोस्तों स्मोक।